तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 वसंत का चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है, बहुत इंटरेस्टिंग कविता है ये। तो इस कविता को लिखा है भगवती चरण वर्मा ने, बहुत इंटरेस्टिंग सी कविता है ये। स्टार्ट करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये बताना चाहते हैं कि हम जो दीवाने हैं, हमारी क्या ही हस्ती है, हमें कौन ही जानता है। आज हम यहाँ पर हैं, कल हम वहाँ पर चले गए। हम लोग मस्ती का आलम, मतलब अपने साथ साथ मस्ती, जहाँ पर भी जा रहे हैं मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी टेंशन वगैरह नहीं ले रहे कि एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं, ये कोई टेंशन नहीं है, मस्ती मस्ती। कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, हमारे पास अच्छी गाड़ी है या नहीं है, अच्छे फ़ोन है या नहीं है, कोई टेंशन नहीं, मस्ती। हर जगह जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर मस्ती मस्ती साथ में लेकर जा रहे हैं। धूल उड़ाते जहाँ चले, जहाँ पर भी जा रहे हैं ये, वहाँ पर धूल तो उड़ाते हैं। जब हम चलते हैं तो हम जब स्टेप्स रखते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ी मिट्टी उड़ती है। तो उसी की बात हो रही है कि धूल उड़ाते जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर अपनी मस्ती में, मतलब कि कोई टेंशन नहीं है। और हम जो, मतलब कि हम जो दीवाने हैं, हमारी क्या ही हस्तियाँ हैं, हमें मतलब कौन ही जानता है, ये बताना चाहते हैं हमें कवि। नेक्स्ट टेंस के अंदर, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि तुरंत खुशी की तरह आते हैं और आंसू की तरह बह कर निकल जाते हैं अभी अभी। तो सब लोग ये कहते रहते हैं, अरे अरे भाई तुम कैसे आए और तुम कहाँ चले, अब आए तो तुम कैसे थे और अब तुम कहाँ जा रहे हो, जल्दी बताओ कहाँ जा रहे हो। तो मस्ती की तरह ही आते हैं और एकदम से चले जाते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो वो यहाँ पर ये बताते हैं कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, ये चीज़ मुझसे बिल्कुल भी मत पूछो, बस चलना है इसलिए चल पड़े। अब जग, मतलब कि पूरी दुनिया को, या तो कुछ उससे ले लिया या फिर उसको कुछ अपना दे दिया। तो यहां पर यही बताते हैं कवि। नेक्स्ट टेंस के अंदर वो क्या बताते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पी चले पिए चले। तो यहाँ पर पोएट ये बताना चाहते हैं, कवि ये बताना चाहते हैं कि हमने कभी, मतलब कि ये कौन थे, दीवाने थे, मस्त आदमी थे, तो इन्होंने कभी किसी को दो बात कह दी और कभी किसी से दो बात सुन ली। कुछ बातों को जब इन्होंने सुना तो कुछ बातों को सुन के इन्हें हंसी आई, खुश हुए, और कुछ बातों को सुनकर ये रो भी गए। कुछ बातों को जब इन्होंने देखा या फिर सुना तो इन्हें बुरा भी लगा, लेकिन उन चीज़ों को इन्होंने दिखाया नहीं, एक्सप्रेस नहीं करा, और एक ही भाव से पिए चले, और एक ही, मतलब एक ही मेंटालिटी से, या फिर उन चीज़ों को शो नहीं करा। जैसे हमें कभी किसी चीज़ का बुरा लगता है तो हमने शो नहीं करा, या फिर कभी किसी चीज़ का बहुत ही अच्छा लगा तो हमने शो नहीं करा, और अपना नॉर्मल ही अपनी ज़िंदगी को चलाते चले। तो ऐसा ही ये करते हैं। आगे देखते हैं, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर कवि ये बोलना चाहते हैं इन दोनों स्टैंस के अंदर कि क्या था कि ये जो पूरी दुनिया है ये भिकमंगों की है। भिकमंगे मतलब कि गरीब, जो लोग मांगते रहते हैं, किसी को कोई चीज़ देते नहीं है। तो ये इस तरीके से बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर ऐसा ही है, रियलिटी के अंदर भी, कि लोग तुमसे चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं, कभी कोई तुम्हें कोई चीज़ देगा नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो ये जो थे कवि, ये अपने जैसे जो लोग थे, दीवाने लोग थे, उनके बारे में ये बताते हैं कि स्वच्छंद, मतलब कि खूब सारा ये जो प्यार था ये ऐसे ही लोगों को देते हुए चले। इन्होंने इस पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर लोग मांगते रहते हैं, कोई चीज़ देते नहीं है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा दुनिया के अंदर लोगों को प्यार दिया। हाँ, एक बात ज़रूर थी
कि इस प्यार देने की वजह से और इन सब चीज़ों को करने की वजह से ये असफल रह गए, असफल रहे, मतलब कि कुछ हासिल नहीं कर पाए, और यही भार लेकर ये इस दुनिया से जाएंगे अगर इनकी डेथ होती है तो। अब अपना और पराया क्या, और अब ये यही बोलते हैं कि अब अपना या फिर मेरी क्या चीज़ है या फिर पराया क्या, मतलब किसी और की क्या चीज़ है, इस चीज़ के अंदर इन्होंने डिफरेंस नहीं करा। ठीक है, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो वो यही बोलते हैं कि जो भी पर्सन है, जैसे कोई भी पर्सन है जो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी चीज़ें हमने करी, ठीक है हमने करी, हमारा डिसीजन था ये सारी चीज़ें करने का, हम खुद ही बंधे हुए थे और अब हम खुद ही अपना जो ये बंधन था, अपनी जो ये रुकावटें थी, इन्हें तोड़कर आगे की तरफ चल रहे हैं। तो इस बेसिकली इस पोएम के अंदर यही बताया है कि कैसे एक दीवाना, जो एक पर्सन है जो कि किसी भी चीज़ की केयर नहीं कर रहा, केयरलेस है, सारी चीज़ें कर रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर और सब लोगों को खुशियां बांटता फिर रहा है, किसी से दो बात कह रहा है, किसी की दो बात सुन रहा है, कभी उन बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब अपने चेहरे पर दिखा रहा है, या फिर कभी मूव ऑन कर रहा है, चलता जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये पोएम थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें पता चला इस पोएम के बारे में। तो यहीं पर हमारी ये जो पोएम है ये ख़त्म होती है। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ क्लास 8 की प्लेलिस्ट चेक करें, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम इसी तरीके से और भी वीडियोज़ अपलोड करते रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करें, हमारे चैनल के मेंबर बने और हमारे चैनल को सपोर्ट करें एज अ मेंबर। अगर आप नहीं मेंबरशिप अमाउंट अफोर्ड कर सकते तो वीडियोस को शेयर जरूर करें। इसी तरीके से मनु से ज्ञान लेते रहें और भी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।